गाइस, आप लोगों को पता ही होगा लौकिक राम में अपडेट आ चुका है। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि लौकिक राम में अपडेट आ चुका है। तो आप लोगों ने में से बहुत सारे लोगों ने तो भाई अपडेट कर भी लिया होगा, लेकिन उन लोग को ये नहीं पता है कि लौकिक राम में आखिर क्या क्या अपडेट हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि लौकिक राम में आखिर क्या क्या अपडेट हुआ है और क्या क्या भी अपडेट होना बाकी है। और पूरा मैं वीडियो में बताऊँगा आपको स्टार्ट से, और साथ में बताएंगे कि आखिर लौकिक राम में फ्यूचर में अपडेट कौन कौन से आ सकते हैं। तो पूरे आज हम यही देखने वाले हैं लौकिक राम में कि आखिर कौन कौन से अपडेट आएंगे और फ्यूचर में आ सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और फिर बढ़ते हैं, चलिए अपडेट करते हैं लौकिक राम को और देखते हैं उसमें आखिर क्या क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मैं आ चुका हूँ प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में देखिए आते ही मुझे अपडेट का ऑप्शन दिखा है। तो पहले तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और कुछ समय लगेगा अपडेट करने में, तब तक इसका पढ़ लेते हैं अबाउट में। तो ये देखिए, इसमें 19 मई को अपडेट दिखा रहा है और 1.15 करके ऐसा कुछ ही अपडेट है। तो इसे फटाफट से अपडेट करते हैं और चेक करते हैं कि आखिर लौकिक राम में क्या नया आया है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। तो गाइस, पहले तो इस लौकिक राम जो लिखा आता था इसको चेंज कर दिया है और वर्ड सारे डिलीट हो चुके हैं। यार ये बहुत बेकार हुआ, सभी लौकिक राम यूज़र के लिए बहुत ये सैड न्यूज है। तो पहले तो मैं इसे रैंडम सीड डाल देता हूँ और ये भी चेक करेंगे हम लोग कि क्या लौकिक राम पिछले वाले की सीड इसमें काम करते हैं या नहीं करते हैं, सब बताऊंगा मैं वीडियो के लास्ट तक। तो यार पहले तो ये ग्राफिक्स को चेंज करते हैं, बहुत ही गंदा व्यू आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फटाफट से इसे सेटिंग में कंट्रोल कर इसे हटा देते हैं। पहले तो यार सेटिंग को पूरा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि सेटिंग नहीं समझ में आ गया तो मज़ा नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, पहले तो लाइट को बढ़ाते हैं, पूरा फुल पे करते हैं, वरना यार समझ में नहीं आएगा कुछ। और स्प्लिट कंट्रोल मैं कर लिया हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा एक मैं हॉर्स को देखना चाहूँगा कि आखिर इसमें क्या चेंज आया है। तो ये रहा हॉर्स, तो इसमें कुछ चेंज खास नहीं आया है। और जो ये स्प्लिट कंट्रोल का ऑप्शन था, पहले तो प्लस बनकर आता था माइनक्राफ्ट की तरह, अब ये लोग थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं माइनक्राफ्ट से। और मुझे सेटिंग देखकर तो इतना पता चल गया कि मल्टीप्लेयर वाला ऑप्शन अभी अनलॉक है, यानी अभी नहीं लाया गया है। तो पहले तो पानी का जो टेक्सचर था पहले से मुझे कुछ अलग लग रहा है, पहले अंदर पूरा ब्लू ब्लू दिखता था, अब थोड़ा कम दिखता है पहले के मुकाबले। तो थोड़ा थोड़ा ये लोग चेंज कर रहे हैं, हमारे ख्याल से जो पहले का जो लौकिक क्राफ्ट था उसमें का बग इसमें थोड़ा सा हटाया गया है। और बात करें इन ब्लॉग की, तो अगर हम आपको दिखा देते हैं इसमें, तो कुछ ब्लॉग में भी नहीं चेंज हुआ है, और यहाँ पर भी डेकोरेशन वाले में भी कोई एक को ब्लॉग नहीं बढ़ा है, सब पहले का ही पहला है। तो पहले हम लोग कुछ माइनक्राफ्ट के जो हैं उसमें का ट्रिक उसमें अप्लाई करते हैं, तो मैंने स्पॉन्ज को पानी में रखा, ये नहीं पानी को सोख रहा है, यानी इसमें भी कोई परिवर्तन यानी कोई चेंज नहीं किया गया है। तो और कुछ माइनक्राफ्ट के हम लोग जो उसमें रहते हैं और लौकिक राम में ट्राई करने वाले हैं कि क्या कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पर कुछ विलेजर को लाता हूँ, और लौकिक राम में आप लोगों को पता ही ट्रेड नहीं कर सकते विलेजर के साथ में, और देखते हैं इस अपडेट में क्या ये क्लियर हुआ है कि आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मैंने एमरेंड को ले लिया है, और ये यहाँ पर भी फेल होता है, तो ये विलेजर दादा यहाँ पर नहीं ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, कुछ खास चेंज हुए हैं लौकिक राम में, वो मैं वीडियो को अंत में बताऊंगा आप लोगों को, बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज है और बहुत इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं मैं बताने वाला हूँ। पहले तो मैं इस केक इसे कटर को रखता हूँ यहाँ पर, तो ये वुड कटर है, ये लौकिक राम में बेकार था और अभी भी बेकार है, तो इसका वो भी नहीं ठीक किया गया है। तो एंड पोर्टल भी नहीं बना सकते हम लोग को पता ही होगा, लेकिन केक का मैं चेक करना चाहूँगा। माइनक्राफ्ट में आप केक को खा सकते हैं और लौकिक क्राफ्ट में नहीं खा सकते, तो इसका भी चेंज नहीं किया गया है यहाँ पर। हो सकता है लोग धीरे धीरे सब माइनक्राफ्ट जैसा कर दें, लेकिन ये एकदम माइनक्राफ्ट को कॉपी भी नहीं कर सकते। तो अब मैं बताता हूँ कि आखिर क्या क्या इसमें चेंज हुआ है। तो पहले हम बात करें तो पहला चेंज है इस कैरेक्टर का, लौकिक राम में इस कैरेक्टर को चेंज कर दिया गया है। और मैंने जब 19 मई को अपडेट किया था अपना, तो मेरा कैरेक्टर तो एकदम माइनक्राफ्ट के कैरेक्टर जैसा हो गया था, मैं उसका रिकॉर्डिंग करना भूल गया वरना मैं आपको दिखाता। तो कुछ इस तरह का चेंज हुआ है। और दूसरा अगर मैं चेंज की बात करूँ, तो दूसरा चेंज है गाइस, लौकिक राम का जो ओपनिंग वाला सीन रहता है उसमें थोड़ा चेंजिंग किया गया है, तो वहाँ पर थोड़ा चेंजिंग हुआ है।
और दो चीज़ कुल मिलाकर चेंज हुआ है, और थोड़ा बहुत एक्शन में मुझे नहीं अंतर लग रहा है ज़्यादा कुछ। हाँ थोड़ा बहुत इंडेक्स बॉक्स में जो स्पोनर होते हैं एग वाला, तो उसमें थोड़ा सा कलर में चेंज ज़रूर आया है, इससे खास नहीं आया है। लेकिन हाँ फ्यूचर में अब लोकी क्राफ्ट वालों ने ये क्लियर कर दिया है कि फ्यूचर में ये अच्छे अच्छे अपडेट लाते रहेंगे, और जो लोकी क्राफ्ट के जितने भी यूज़र हैं, बहुत सारे यूज़र हैं, करोड़ों में इनके यूज़र हैं, तो उन्हें अब उनके लिए खुशखबरी है कि हो सकता है ये आगे का प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट करेंगे माइनक्राफ्ट से, वरना उसका कॉपी आ जाएगा उन लोग के ऊपर कि आप कॉपी कर रहे हैं। तो गाइस आप लोग कितने एक्साइटेड हैं मुझे बताइएगा ज़रूर कि लोकी क्राफ्ट के अपडेट को लेकर, और फ्यूचर में हो सकता है एक महीने या एक महीने के अंदर ही लोकी क्राफ्ट में कोई ना कोई अपडेट ज़रूर आए। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और यार आप लोग कमेंट नहीं करते हो ये बहुत बुरी चीज़ है, कर दिया करो यार।